हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ड्राई चाप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं 1/2 kg, यहाँ पे मैंने चाप ले लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने 1/2 kg चाप ले ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसके मैंने जो धनिया इसके में लगी होती है वो मैंने निकाल ली हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर, देख सकते हैं आप, प्याज, लहसुन 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं, अदरक और हरी मिर्च 4 से 5 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं हरी मिर्च। अब मैं इनको कर लूँगी चॉप और उसके बाद बनाऊँगी मैं सब्जी। तो चलो मैं पहले सारी सब्जियों को कर लेती हूँ चॉप। यहाँ दूसरी साइड मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है जिसमें मैं चाप को फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाप को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। मैं चाप को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस मैं उतना ही फ्राई करूँगी जिससे इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए और इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। तो यहाँ चाप हमारी तैयार हो चुकी है फ्राई होके, और देख सकते हैं आप हमें यहाँ चाप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल दूँगी और अब मैं इसको साइड में रख दूँगी और कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके और दोबारा उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। तो ऑयल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ डाल दूँगी मेथी दाना, 1 चम्मच डाल दूँगी यहाँ पर मैं जीरा, इसको पका लूँगी। अब मैं साथ में ही डाल दूँगी प्याज, लहसुन और अदरक का जो मैंने चॉप करा था बारीक, इसको अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ प्याज को मैंने ब्राउन होने तक पका लिया है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटो जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें मैं पानी। पानी को मैंने चॉपर को मैंने धो लिया है, वही मैंने पानी थोड़ा सा यहाँ डाल दिया जिससे हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। यहाँ डाल दूँगी 1 चम्मच नमक, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। तो यहाँ टमाटर हमारे पक चुके हैं, अब मैं डाल दूंगी इसमें स्पाइसेस। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी 2 छोटे चम्मच मैंने डाल दिए हैं, जीरा पाउडर 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। बस स्पाइसेस में मैं इतना ही डालूंगी अभी, तो इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो 1 छोटा चम्मच डाल दूंगी मैं यहाँ गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया सब्जी मसाला। तो मैंने ये सब्जी मसाला यहाँ पे लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ डाल दूंगी मैं थोड़े से मटर, मैंने यहाँ पे हरे मटर ले लिए हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ मटर ले लिए हैं, अब मैं मटर के साथ इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें चाप, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स और इसको सिम गैस पर मैं इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख दूँगी।
मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी पानी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। पानी बिल्कुल थोड़ा ही डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी, ड्राई चाप मसाला, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको करूँगी गर्मा गर्म रोटी के साथ सब। तो आप इसे परांठा, नान, पूड़ी, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलो, मैं करती हूँ इसको गर्मा गर्म सर्व। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।